तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम वैद्य द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे। तो उसमें ये मैंने हेडिंग पहले से लिखी है, वैद्य द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले हमने इससे पहले जो सीखा था अक्षीय स्थिति में सीखा था, तो अब हम निरक्षीय स्थिति में सीखेंगे। निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु होगा उस पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। तो निरक्षीय मतलब इक्वेटोरियल लाइन आप जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पहले लिया था, कोई एक वैद्य द्विध्रुव ले लेंगे, वैद्य द्विध्रुव ए भी ले लिया हमने, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है। इससे निरक्षीय स्थिति पर अब ये वैद्य द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो लंबाई है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हमने ले ली यहाँ पर 2L। तो यहां से इसके सीक सेंटर पॉइंट से हमें लंबवर्धक खींचेंगे। लंबवर्धक मतलब ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, P ले लिया। इस बिंदु पर हमने क्या निकालनी है, वैद्य क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु पर ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, लंबवर्धक खींचा हमने, ए भी जो हमारी वैद्युत द्विध्रुव था उसके ठीक सेंटर पॉइंट से होते हुए लंबवर्धक मतलब लंब खींचते हुए हमने आधी आधा कर दिया इस भाग को, ए भी भाग लंबाई को हमने दो भागों में बांट दिया लंबवर्धक खींचते हुए। तो ये लाइन हमारी इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर हमारा किसी इक्वेटोरियल लाइन में ही ऊपर को कहीं पर एक बिंदु हमारा पी है। सपोज इसकी डिस्टेंस हमारी जो सेंटर पॉइंट है हमारा जिसको हम उसे दिखा रहे हैं, वैद्य द्विध्रुव का जो सेंटर पॉइंट है वो इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, इसको हमने आर दूरी, पहले हमने अक्षीय स्थिति पर लिया था इसी दूरी को, अब हम निरक्षीय स्थिति पर ले रहे हैं। आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है, इस पर हमने क्या निकालनी, वैद्य क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो वैद्य क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, पहले प्लस क्यू आवेश के द्वारा वैद्य क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और ऐसे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे मतलब परिणाम निकाल देंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर कितनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के द्वारा कितनी है, दोनों का हम परिणाम निकाल देंगे। तो वो निकल जाएगी हमारी पॉइंट पी पर वैद्युत द्विध्रुव मतलब दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस क्यू से बिंदु पी पर इस बिंदु को मिलाने वाली, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए किसी बिंदु से उस आवेश तक की दूरी को ज्ञान होना आवश्यक है। तो वो जो दूरी है हमारी प्लस क्यू से पी तक, ये दूरी हमारी कैसे निकलेगी, यहां से यहां तक ओ से पी तक की दूरी हमारी आर है और ओ से बी तक की दूरी हमारी ये आधी दूरी 2L पूरी दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी एल है। तो एल ये दूरी है, आर ये दूरी है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण का मान वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस भी सेम, क्योंकि ये इधर को भी डिस्टेंस एल है, ओ से ए तक की डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है एल है और ये डिस्टेंस यहां पर आर है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु तक की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी सेम वही डिस्टेंस हो जाएगी। कहने का मतलब बी पी और ए पी जो डिस्टेंस होंगे बराबर होगी, जिसका मान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये किस प्रकार होगी, इसकी दिशा हमने बोला है प्लस क्यू से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है आगे की ओर होती है, जिस बिंदु पर भी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो प्लस क्यू से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, आगे को होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आगे को है, तो यहां पर से हम प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी रेखा में आगे को इस प्रकार से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसको हम दिखाएंगे इससे ई वन से प्लस क्यू आवेश के कारण माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हमारी ईवन है, तो ईवन इस दिशा में होगा आगे को, प्लस क्यू से आगे की दिशा में उस बिंदु की तरफ। अब माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, हमने बोला है माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की दिशा में ही होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है आवेश की दिशा में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश की तरफ कोई दिशा होती है तो पी बिंदु से ए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा क्या होगी, ये दिशा होगी उसकी, उसकी दिशा इस प्रकार होगी माइनस क्यू की तरफ को ही होगी। तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण जो होगा उसकी दिशा इस प्रकार को होगी, इस दिशा में। तो ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र हो गया ये हमारा ई टू आ गया, ये ई वन वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये ई टू हो गया। अब इन दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, दो वैद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि है तो इसका मतलब इन दोनों का ही परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमारा ई हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा होगी। तो दो वैक्टर को हमने इलेवंथ में कक्षा 11 में सीख रखा कि दो वेक्टर हैं अगर उनका परिणामी वेक्टर निकालना हो तो जैसे ये हमें यहाँ पर एक छोटा चित्र दिखा रहा हूँ, ये एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, सपोज ये बी वेक्टर है, तो वेक्टर ए और बी का परिणामी क्या होता है, इस प्रकार से निकलता है। इसके लिए परिणामी ये ए और बी का परिणामी इस प्रकार निकलता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ए वन ये है, ई टू ये है, तो इनका परिणामी ये इस प्रकार हमने लिखा है यहाँ पर। तो इसको हम रिजल्टेंट आर कहते हैं, यहाँ पर इसका परिणामी ई वन और ई टू का परिणामी आर की जगह यहाँ पर ई आ गया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो ये चीज समझने के लिए है। अब इसके बाद हम ई जो परिणामी आया इस चित्र को थोड़ा सा समझने के लिए मैं यहाँ पर बड़ा चित्र बना रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आप, ये ई टू था, ये ई वन था। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा, ये ई जो है इसका मान कैसे निकलेगा, इसके लिए हमने ये चित्र बनाया। यहाँ पर इसके E1 और E2 के लंब और लंब घटक जिसको कहते हैं और क्षैतिज घटक, जिसको ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक तुमने पढ़ा हुआ है, ये ऊर्ध्व घटक कहलाएगा E1 का और ये E2 का ऊर्ध्व घटक कहलाएगा, और ये क्षैतिज घटक E2 का भी हो गया और E1 का भी क्षैतिज घटक हो गया। ये क्षैतिज दिशा में है तो क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्व दिशा में है तो ऊर्ध्व घटक। तो E1 और E2 के जो ये घटक हैं, अब इनको इनकी जो मान निकालने हैं वो कैसे निकलेंगे, माना जो हमारा ये जो पॉइंट है P, ये कितना कोण बना रहा है द्विध्रुव से, थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण है तो ऑटोमेटिकली ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। वैसे भी पता चल रहा आपको ये एल है, ये वाली डिस्टेंस, ये भी एल है, ये भी डिस्टेंस, तो दोनों के ये वाली भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी ऑटोमेटिक क्या होंगे, बराबर होंगे, या तीनों भुजाएं बराबर हैं, देखिए इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, इसकी इससे मेरी भुजा है और ये भुजा आपस में संयुग्म भुजाएं हैं, तो ये थीटा कोण है, तो ये वाला कोण जो होगा हमारा ये थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, ऑटोमेटिक थीटा होगा। तो इस कोण को मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपका थीटा कोण, और चित्र को मैंने बड़ा करके दिखाया हुआ है यहाँ पर, E1, E2 और E2 यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पर ये कोण थीटा है और ये वाला कोण भी कितना होगा, ऑटोमेटिक थीटा ही होगा। कैसे, ये थीटा कोण है तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये इसको कोई तिरेक रेखा काटती है तो एकांतर कोण ये क्या हो गया, आपस में बराबर होगी, ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, इसलिए ये वाला कोण भी हम थीटा दिखा रहे हैं, ऊपर वाला कोण भी थीटा ही दिखा रहे हैं। अब इससे हमारे E1 और E2 के जो है ऊर्ध्व और क्षैतिज घटक दोनों निकल जाएंगे, तो E1 का ऊर्ध्व घटक कितना होगा, ये वाला घटक, तो यहां पर मैं चित्र को समझने के लिए एक लाइन थोड़ा सा ड्रॉ यहां कर दे रहा हूं। तो E1 ये है तो ये इसका लंब हो गया, जितना वैल्यू इसका होगा उतना इसका भी होगा, तो लंब घटक का मान ऊर्ध्व घटक जिसको कहते हैं उसका मान कितना आ जाएगा, लंब बराबर, लंब घटक का मान क्या होता है हमेशा E1 साइन थीटा, वो कहां से आया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा E1 है तो लंब का मान कितना आ जाएगा, E1 साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र रखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये लंब है इसका, ये कर्ण है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण करेंगे तो क्या आ जाएगा, लंब का मान हमको निकालना है, कर्ण का मान इवन दिया है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण इवन हो गया, इवन, तो इवन का मान आ जाता है, ये सॉरी लंब का मान आ जाता है इवन साइन
थीटा, तो ई वन साइन थीटा आ गया, इसका मान कितना आ गया ई वन, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ई वन साइन थीटा, इसका मान सॉरी ये जो हमारा लंब का मान है इसको यहां पर से जगह दिखाने आसान नहीं हो रहा, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं ई वन साइन थीटा, ई वन साइन थीटा यहां से दिखाने में अलग लग रहा है, इसलिए इस लंब घटक को हमने क्या लिख दिया ई वन साइन थीटा यहां लिख दिया। ऐसे ही इसका क्षैतिज घटक का मान, अब इस वाले घटक का मान कितना आ जाएगा, ई ये है आधार ये कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब आधार हमने ये निकालना है, आधार का मान कितना आ जाएगा यहां पर से ई वन कॉस थीटा, तो इस वाले भुजा को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ई वन कॉस थीटा, आधार का मान ये आ गया, इसको यहां से लिख दिया। ऐसे ही इस वाले नीचे वाले ट्राइंगल से देखो आप ई टू कर्ण दिया हुआ है, ये आधार है ये लंब है, तो यहां पर से ई टू हमको कर्ण मिला हुआ है, तो इसका लंब कितना होगा, लंब घटक इसका मान कितना आएगा, इस वाले घटक का मान जिसको हम कह रहे हैं लंब घटक, तो इसका मान कितना आएगा, वही से लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा होता, तो साइन थीटा होता तो लंब का मान क्या आ जाएगा ई टू साइन थीटा, इसका मान क्या आ गया ई टू साइन थीटा, ये ई टू साइन थीटा आ गया, जैसे यहाँ ई वन साइन थीटा आया यहां पर क्या आ गया नीचे को ई टू साइन थीटा, और ये वाला क्षैतिज घटक का मान यहाँ कितना आ जाएगा, अब यह आधार है इस त्रिभुज के लिए, यह आधार है आधार बट्टे कर्ण ई टू है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बराबर क्या आ जाएगा ई टू कॉस थीटा, तो इस वाले घटक का मान नीचे वाले ट्राइंगल के लिए इस घटक का मान कितना आ गया ई टू कॉस थीटा। अब जब ये इस आधार वाला घटक जो है हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, दोनों की दिशा जो है इधर ही को है, ई वन कॉस थीटा की दिशा भी इधर को है, E2 cos थीटा की दिशा भी इसी डायरेक्शन में है परिणामी वैद्युत क्षेत्र के, तो ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, कहने का मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र का इसलिए मान क्या आ जाता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये जो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा ये किसका मान आ गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र का, क्योंकि परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो ये वेक्टर है हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, एक E1 cos थीटा दूसरा इस ट्रायंगल के लिए E2 cos थीटा, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए E1 cos थीटा और नीचे वाले ट्राइंगल से E2 cos थीटा, दोनों सदिश एक ही दिशा में है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, तो परिणामी जुड़ जाता है हमारा, इसलिए परिणामी E का मान जो हमारा आया वो क्या आया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर आ गया। तो अब इस वाले में हमें जो है कि निरक्षीय स्थिति में सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, ये कैसे आया इसको समझना जरूरी है, इसलिए इस ट्राइंगल को मैंने दोबारा बनाया इसको इस चित्र को। तो अब हम यहां पर से परिणाम वैद्युत क्षेत्र ये इसी सूत्र के द्वारा हम निकालेंगे, तो E1 का मान सबसे पहले देखेंगे हम E1 कितना आएगा, E1 किसके कारण है प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का जो वैल्यू आया वो कितना आया E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0KQ/ अब R की वैल्यू क्या है यहां पर R जो डिस्टेंस है प्लस Q से P बिंदु की डिस्टेंस कितनी है यहां पर √R² + L² है, तो इसका जब हम दूरी का वर्ग होता है नीचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालते हैं तो दूरी का वर्ग होता है, तो दूरी इतनी है तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा √ हट जाएगा, कहने का मतलब कितना आ गया √R² + L² आ गया, Q/R² होता है, तो R² का मान R की जगह हमारा √R² + L² है, ये दूरी जो R दूरी का वर्ग होता है नीचे, तो दूरी यहां पर जो है वर्गमूल में है √R² + L² का वर्गमूल है, तो जब वर्गमूल क्या हो जाएगा हट जाएगा वर्ग करने पर, तो मान क्या आ गया यहां पर √R² + L² क्या तो √R² + L² हो गया, ये आ गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान। ऐसे माइनस क्यू के कारण
बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार सेम कितनी हो जाएगी ई टू, यहां पर मैं ई टू बराबर लिख दे रहा हूं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, अब यहां पर भी डिस्टेंस जो है माइनस क्यू से भी क्या है डिस्टेंस पी की सेम वही डिस्टेंस है तो मान वही क्या आ गया उसका सेम आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये आ गया। अब इन दोनों ई वन और ई टू के मान हम कहां रख देंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, हमें पता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना है ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, ये जो हमने कहा था यहाँ इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान, क्योंकि अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है ई बराबर ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, मान रख लिया ई वन का मान वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, आगे कॉस थीटा भी है ये लिख दिया प्लस ई टू, ई टू का मान वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा इतना। अब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है यहां पर भी है यहां पर भी है क्यू यहां भी है यहां भी है कॉस थीटा मीन सेम चीज आ रही है दो बार आ रही है यही चीज रिपीट हो रही है यहां पर भी, यानी का मतलब एक्स प्लस एक्स जैसे टू एक्स होता है तो इसका मतलब यही चीज का क्या हो गया इस चीज का दो बार रिपीट हो रहा तो डबल हो गया, कहने का मतलब आंसर कितना आ गया हमारा ई का वैल्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, जो ये इसका क्या हो गया पूरी नंबर का डबल हो गया टू हो गया डबल हो गया टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा, ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई। अब इसमें क्यू ये जो मान है ये तो हमें पता है कॉस थीटा का मान हमें मालूम है तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे त्रिभुज ओ पी बी से, त्रिभुज ओ पी बी से देखो त्रिभुज ओ पी बी से क्या आ जाएगा कॉस थीटा बराबर, देखो कॉस थीटा बराबर होता है ये देखो इस त्रिभुज में ये कोण थीटा है तो इसके लिए कॉस थीटा के लिए आधार ये हो गया कर्ण ये हो गया तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता तो आधार एल है बटे कर्ण का मान कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये लिखते हैं तो ये कॉस थीटा का वैल्यू अब हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एक इक्वेशन आई थी हमारी इसमें कॉस थीटा का वैल्यू भी रख देंगे तो अब हमें थोड़ा इसको पलट दे रहा हूं जगह को हमें तो इसके बाद जो वैल्यू आई E इक्वल टू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे आप यहां पर कॉस थीटा था कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये वैल्यू रख दिया टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू थी टू और ये कॉस थीटा की वैल्यू है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके और लिख देते हैं हम ई इक्वल टू ये टू क्यू एल आ गया ऊपर टू क्यू एल अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ पे कितनी है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ पर वन है यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी है हाफ है तो टोटल कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी वन पावर यहाँ पर है और अंडर रूट का मीन्स होता है हाफ होती है पावर तो वन पावर ये है वन हाफ ये हो गई तो टोटल पावर कितनी हो गई वन और वन बाई टू टोटल पावर कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू वन और वन हाफ को जोड़ देते वन और हाफ को जोड़ते तो कितना होता है थ्री बाई टू वन एंड हाफ जिसको कहते हैं वन एंड हाफ मीन्स थ्री बाई टू तो टोटल पावर जो आ गई थ्री बाई टू आ गई अब इक्वल टू इसी को हम लिख देंगे ये जो टू क्यू एल होता है इसको हमने पहले पढ़ा हुआ है इसको हम पी कहते हैं वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी पावर क्या होगा थ्री बाई टू ये आ गया। अब यही जो मात्र न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र का मान आया
ये जो मान आया ये है निरक्षी स्थिति पे। अब कभी ये एक्यूरेट आंसर इससे निकाल सकते हैं, और अगर हम इसमें लें कि एल का मान जो है आर की तुलना में बहुत छोटा हो, मतलब हम ये कहें एल इज लेस देन आर, तो क्या होगा, एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए क्या कर देंगे हम, एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में क्या मान लेंगे, नगण्य में लेने का। तो इसलिए जब हमारा एल का मान क्या होगा, छोटा होगा आर से, बहुत छोटा है, क्योंकि एल जो है दो द्विध्रुव के दो आवेशों के बीच की दूरी है, आर जो है जहां पर हमने व्यतिच्छेद की तीव्रता निकालनी है वो दूरी जो है ज्यादा है, तो एल का मान जो है आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा हो जाएगा मान, जो मैंने कल कहा था कि छोटी राशि का मान और भी छोटा हो जाता था। जैसे हम 0.1 का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, और भी छोटी राशि हो जाती है, 0.01 हो जाती है। 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01, और भी छोटी राशि हो जाती है, जबकि बड़ी राशि का स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा। तो राशि छोटी जितनी होगी तो स्क्वायर करने पर और छोटी होती जाती है, तो इसलिए एल स्क्वायर जो छोटी राशि है ये स्क्वायर करने पर और भी छोटी हो जाएगी, इसलिए हम क्या कर देते हैं इसको नगण्य ले लेते हैं, इसकी गणना नहीं करते हैं। तो हम e का जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 1/4πε0k p / l को हमने छोड़ दिया, तो r स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2, तो r स्क्वायर 3/2 पावर हो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो r की पावर टोटल कितनी आ गई, 3 न्यूटन पर कूलम्ब। ये जो आएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई निरक्षी स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में हमने जो कल निकाला था उसका मान कितना था, यहाँ पर सेम यही आंसर आया था, सिर्फ यहाँ पर 2x का था, 2p था, यहाँ पर था 2p/r³ था, कहने का मतलब अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता थी, जो आज हमारी तीव्रता निकली है उसका क्या है, डबल थी, कहने का मतलब यहाँ पर 2 था, ट्वाइस था उसका, p का ट्वाइस था। तो कहने का मतलब हो गया अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की दुगनी होती है द्विध्रुव के केस में। तो ये जो है सूत्र आ गया हमारा निरक्षीय स्थिति के लिए। थैंक्स।